अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि उनके एग्जाम्स जो हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने जो मैसेजेस किए और मैंने उनसे जब बातें की तो मुझे कुछ इस तरह अंदाज़ा हुआ कि बच्चे इस वक्त जो हैं वो पैनिक का शिकार है। वो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है और किस तरीके से एंड करना है, क्योंकि दिसंबर में अब बहुत कम वक्त रह गया। उनके पास सिर्फ एक महीना है जिसमें वो तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा स्टडी प्लान बनाऊं एक महीने का, जिससे आप सबको मदद हासिल हो सके। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ इस एक महीने के स्टडी प्लान के ऊपर अमल करेंगे तो ना सिर्फ आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होंगे, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं मुझे पूरा यकीन है कि आप फर्स्ट डिवीजन भी हासिल कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, दैट आर यू इंटरेस्टेड और आर यू कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल्स? बिकॉज इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड सो यू विल स्टार्ट बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज and you will only depend on hopes and prayers. But if you are really committed, so from today you will start taking action towards your goals and you will do whatever it takes, because when you are committed so you will be result oriented. And if you are only interested to main aapko bata raha hu, आप दुनिया की तमाम एक्सक्यूज और वजहों को लेके आएंगे और बोलेंगे कि इन सारी वजहों की वजह से जो है मैं अपनी इस गोल को अचीव नहीं कर पाया। तो ये पहला सवाल बहुत जरूरी है आपको खुद से करना है कि आर यू इंटरेस्टेड और आर यू कमिटेड? और इफ यू आर कमिटेड तो अब आज से पीस ऑफ पेपर लेंगे हम और हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे और जो हमें रिजल्ट हासिल करने हैं उसको किसी भी हाल में किसी भी सूरत में हर तरीके से हमने उसको हासिल करना है। लेकिन आज के टॉपिक का आगाज मैं एक स्टोरी से करूँ। ये स्टोरी है दो भाई, एक की उम्र है 10 साल और जिसामत में वो ताकतवर बड़ा है, और दूसरा भाई है वो कद में भी छोटा है और उम्र में भी छोटा है, उसकी उम्र है 5 साल। दोनों भाई खेलते खेलते गांव से बाहर निकल जाते हैं और उनको अंदाजा नहीं होता, वो गांव से थोड़ी दूर जाते हैं तो वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें बड़ा भाई गिर जाता है। जब बड़ा भाई उस गड्ढे में गिरता है तो और अंदर से चिल्लाता है, जब छोटे भाई को बहुत फिक्र होती है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। फिर वो देखता है कि गरीबी उसको एक रस्सी और एक बाल्टी पड़ी है, वो जल्दी से जो है बाल्टी को रस्सी में बांधता है और बाल्टी अंदर फेंकता है और पूरा जोर लगा के अपने भाई को खींच के बाहर ले आता है। दोनों भाई जब वापस गांव पहुंचते हैं और ये वाकया गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों को इस बात पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं कि तो बहुत छोटा है और इसमें इतनी ताकत भी नहीं कि अपने बड़े भाई को गड्ढे में से खींच के बाहर निकाले। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर के गांव में बहुत ही समझने के अकलमंद इंसान होते हैं, उनके पास जाते हैं और पूरा वाकया सुनाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप इन बच्चों से पूछें कि ये इस वाकये में जो है ये जो छोटा भाई है इसने किस तरीके से जो है वो अपने भाई को बाहर निकाला। इंसान कहता है कि देखिए इसका जवाब तो बच्चा पहले दे चुका है कि इसने रस्सी डाली और भाई ने वो बाल्टी पकड़ी और उसने डाल लिया। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि उस वक्त इस बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आई कि इसने अपने बड़े भाई को इस तरीके से रस्सी से खींच के बाहर निकाला। उसका जवाब ये है कि जिस वक्त इस छोटे भाई ने ऐसा किया तो दूर दूर तक उस बच्चे के सामने कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उसको ये कहता कि तुम ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। और यही वो फियर है जो इस बच्चे के अंदर उस वक्त मौजूद नहीं था, इसने वो कर दिखाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था और जो लोग प्यार समझ नहीं था। तो बच्चों एक बात
इसके एक महीने के कम से कम ऐसे शख्स से आपने दूर रहना है और अपने अंदर इसके स्पिरिट को खत्म कर लें कि मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकता, मैं पहले डिवीजन में पास नहीं कर सकता। नो नेवर, यू कैन डू इट एंड नाउ यू हैव टू डू इट बिकॉज यू ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू आर कमिटेड टू अचीव योर गोल्स। अब आपको स्क्रीन पे एक सामने शीट नजर आ रही होगी, देखें इस शीट को देख के घबराना नहीं है। अब हमें बकायदा अपना एक प्लान बनाना है एक महीने का, जो कि नवंबर का महीना है, और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं जब आप इस प्लान के मुताबिक चलेंगे आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। देखें इस शीट में इस साइट पर ये सारी टाइमिंग्स लिखी हैं जो कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रही है और रात को 10 बजे तक जा रहा है। एक एक घंटे का यहाँ पे गैप है, लेकिन मैंने इसको यहाँ येलो कैमोफ्लेज किया है ताकि जो है इससे ये जाहिर हो कि यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो सुबह 8 बजे से लेकर ये 12 बजे तक ये हमारा हिस्सा जो है ये मॉर्निंग का हिस्सा है, ये यहाँ पे ये मॉर्निंग है। उसके बाद ये 1 बजे से लेकर 6 बजे तक आफ्टरनून और फिर 6 से लेकर रात को 10 बजे तक नाइट। यहां पे आप देखें इस लाइन में मैंने ऊपर ये सारे डेज लिखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। आप इसको एक्सेल पे बनाएं, आप इसको एक कागज पे पेंसिल से पेन से या जैसे आप सही समझें आप इसको बना सकते हैं। तो उसी शीट को देखें अब ये किस तरीके से मैंने एक प्लान बनाया है, जो कि आप भी इसी तरीके से प्लान बनाएंगे सिर्फ इस नवंबर के महीने का। देखें अगर आप यहां से देखें तो यहां पे आपको ये टाइमिंग्स मैंने मेंशन की हैं यहां पे, और यहां पे ये डेज लिखे हैं उसी तरह, और यहां पे अगर आप देखें तो इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से है। इसकी एग्जांपल इस तरह मैंने ली है कि जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही देखें इसको बहुत आराम से और सुकून से समझें और घबराने की जरूरत नहीं है। ये 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज है सिर्फ। अगर आप 1 से 1.5 घंटा लगाकर ये एक दफा सिर्फ प्लान बना लेंगे और अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करेंगे तो आपको खुद भी डे एंड पे बहुत सेटिस्फेक्शन होगी और इस एक महीने के अंदर आप इतनी भरपूर तैयारी कर लेंगे अपने इम्तिहान की कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। देखें यहां पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कि जैसे ये स्टार्टिंग हुई मंडे से, मंडे को आपने सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा सब्जेक्ट 1, वो आपने सब्जेक्ट 1 की जो है तैयारी करनी है, वो सब्जेक्ट 1 आपका कोई भी हो सकता है। यहां पे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि मॉर्निंग की टाइमिंग्स में आप हमेशा उन सब्जेक्ट्स को रखिएगा जो डिफिकल्ट हो आपके लिए, जिसमें आपको थोड़ी मुश्किल होती हो, क्योंकि मॉर्निंग के टाइमिंग्स में आप फ्रेश होते हैं और उस वक्त जो है वो आप ज्यादा जल्दी चीजों को ग्रेस्प कर सकते हैं। 9 से 10 बजे के बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक लेना है, 10 से 10:30 ये ब्रेक मेंशन किया है मैंने। और देखें ब्रेक का जो मतलब होता है वो ये नहीं कि जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वहीं पे जो है आपने जो है वो पीछे होकर बैठ गए और सर पीछे कहीं टेक लगा लिया, नहीं। ब्रेक मींस यू हैव टू डू सम अदर एक्टिविटी, बाहर निकल जाएं उस जगह से, उस रूम से जहां आप पढ़ रहे हैं बैठ के, आप जाइए टीवी देखें, एक्सरसाइज करें, जो आपका दिल कर रहा है करें, लेकिन सम डिफरेंट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ये 10 से 10:30 आपने ब्रेक लिया आधे घंटे का, और फिर आपने स्टार्ट किया 10:30 बजे सब्जेक्ट 2। देखें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो किसी एक या दो सब्जेक्ट्स के ऊपर ही सारा साल लगा देते हैं, मोस्टली अकाउंट्स स्टेट्स इस तरह के सब्जेक्ट्स पर। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डिवीजन हासिल करनी है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहां पर जो है जब आपका ब्रेक 10 से 10:30 तक हो जाएगा, फिर आपने 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जो आपका सब्जेक्ट 2 है आपने उसकी तैयारी करनी है अकॉर्डिंगली। फिर 11:30 से 12 आपने 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और फिर 12 बजे से 1 बजे तक आपने सब्जेक्ट 3 की तैयारी करनी है।
यहाँ पे ये देखें, ये तीन जो मैंने टाइमिंग्स आपको बताए हैं ये मॉर्निंग के टाइमिंग्स हैं। इसमें आप कोशिश कीजिए जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक मैंने दिया है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसमें आप नैप लीजिए, 1 घंटा जरूर आराम कीजिए, ये सुन्नत भी है। फिर नैप लेने के बाद आप यहाँ पे अपना दोपहर का खाना वगैरह खाएं, फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा ब्रेक मिल जाएगा 1 बजे से 4 बजे तक, और आई होप यू विल बी फ्रेश। उसके बाद आप देखें ये 4 बजे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 में सब्जेक्ट 4, फिर 5 से 5:30 का ब्रेक है, और फिर 5:30 से 6:30 सब्जेक्ट 5, और दोबारा यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक आएगा 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। इसमें आपने रात का खाना खाना है, कोई आप न्यूज़ देखने के आदमी हैं न्यूज़ देखें, या आपने सोशल मीडिया पे थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं तो गुजारें, कोई डिफरेंट एक्टिविटी करनी है, ब्रेक मींस यू हैव टू डू सम डिफरेंट एक्टिविटी। उसके बाद रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक में सब्जेक्ट 6। तो इस तरह ये मंडे में आपने देखा कि एक दिन के अंदर पूरे 6 सब्जेक्ट्स की आपने किस तरीके से तैयारी की एक दिन के अंदर। देखें आप इसको देख के ये मत सोचें कि यार कि मैं क्या पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करता रहूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आपने बहुत सारे ब्रेक्स लिए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज भी की हैं, और इसी तरह अब मैं आपको बताता हूं कि देखें ट्यूसडे और वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें बिल्कुल सेम आप जो है ना रूटीन के साथ आप स्टडी करेंगे, और संडे को जो आपका वीक का लास्ट डे है उसमें मैंने रिवीजन रखा है। अगर आप देखें तो यहाँ पूरे में सिर्फ रिवीजन लिखा है, तो आप पूरे हफ्ते में जो पढ़ेंगे उसमें जो कमी बेशी आएगी उसको आप संडे के दिन रिवीजन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जो हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसमें टॉपिक्स देखें 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल के, जो हम जैसे 5 ईयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग, देखें ये मैं इस बात की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ 1 महीने का प्लान बना रहे हैं और उसमें अंदर ही हमें जो है इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हम अच्छे मार्क्स से इम्तिहान को पास कर सकें, तो इसलिए हम जो है वो जो अगर मैक्सिमम 15 साल के भी अगर आप तमाम सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह जमा करेंगे तो मैं समझता हूं कि 20 से ज्यादा टॉपिक नहीं होंगे किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के। तो 20 टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आप ये इस शेड्यूल के मुताबिक डेली एक टॉपिक को भी करेंगे तो आपके समझ लें कि 3rd वीक में जो है वो आपके सारे टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप उसको कोई बगैर किसी प्लान के और बगैर किसी चीज के देखना शुरू कर देंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो इसी तरह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें अगर सब में 20-20 टॉपिक भी होंगे तो आराम से देखें 4 दिन तो ये संडे हैं जो रिवीजन के उनको हटा देते हैं, तो 26 डेज बचते हैं, तो उस 26 डेज में आराम से वो 20 टॉपिक्स इजिली फिनिश हो जाएंगे। अच्छा अब अगर हम बात करें अकाउंट्स और स्टेट्स वगैरह की, देखें अकाउंट्स में मिसाल के तौर पे आपने फैसला किया है कि आप 15 साल जो है उसके सवालात को सॉल्व करेंगे और आप टोटल 6 टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने फैसला किया कि मैं बैंक रिकंसिलेशन करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करूंगा, कंपनी अकाउंट करूंगा, कोई 6 टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिए। अब अगर आप देखें अगर आप 15 साल के सवालात सॉल्व करना चाहते हैं और 6 टॉपिक आपने सिलेक्ट किए हैं तो इस लिहाज से आपको 90 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व करने हैं इस 1 महीने के अंदर। तो जो 90 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 1 महीने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में सिर्फ 3 सवाल, और अगर 30 मिनट्स एक सवाल को अगर आप देंगे तो इसका मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान में आपके वो 3 सवाल इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप मॉर्निंग के वक्त में ये जो आपने 1-1 घंटे का हमने जो है यहाँ पे पीरियड बनाया है इसमें आप किसी 1 घंटे की बजाय उसको 1.5 घंटे करके और वो अकाउंट्स और स्टेट्स की तैयारी मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो देखें अगर आप इस प्लान पे चलेंगे ना तो हर चीज इजी होती चली जाएगी, लेकिन अगर आप बगैर किसी प्लान के जो है वो स्टडीज करेंगे तो वो एक मैसअप हो जाएगा और वो 1 महीने के अंदर हम वो पूरी तैयारी नहीं कर सकेंगे जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं।